अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल में, जिसमें कि वलीमा तेरा और जैद का था, लेकिन एज यूजुअल सारी लाइमलाइट मुबशरा ने ले ली। मुबशरा ने इस सब को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि हर जगह पर मुबशरा 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 ही हो रही, और आयरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए तो जैद से मुतालबा कर दिया कि मैं आपसे ऑफिस जाया करूँगी, क्योंकि यहाँ रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। मुबशरा ये सोच रही है कि औरत चाहे हाई क्लास की हो या मिडिल क्लास की, उसे अपनी मोहब्बत, अपने शौहर को अपनी तरफ लाने या उसको पाने के लिए अपनी मैं, अपनी जिद, अपनी अनाज सब छोड़नी पड़ती है, और आज मैं भी उसी सफ में आकर खड़ी हो गई। मुबशरा ने खुद को जैद के लिए बहुत ज़्यादा बदला, और जैद ने इस बात पर मुबशरा को शुक्रिया भी अदा किया कि उसे पता है कि मुबशरा की नेचर ऐसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैद के लिए उसने ये सब किया, जो कि आयरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जाने के बाद भी तो आयरा को सुकून नहीं मिला, क्योंकि जाफर साहब के जो कंबाइन शेयर आसिफ साहब की कंपनी में थे, वो उन्होंने मुबशरा के नाम कर दिए। तो आज से मुबशरा उस कंपनी की ऑनर है, और आयरा कैसे बर्दाश्त करेगी कि वो वहाँ पर जॉब करे जहाँ पे उसकी सौत ऑनर है, और वो उससे सैलरी कैसे ले सकती है। बस यही बात जब जैद से कहती है तो जैद कहता है वो ऑनर नहीं, तुम्हारा तो बॉस मैं ही हूँ। आयरा का मुबशरा का ऑफिस जाना किसी तरीके से भी पसंद नहीं आ रहा। आसिफ साहब ने भी आज आयरा को अच्छी हंसी सुना दी और उसे कहा कि तुम हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सरदर्द बनकर आई हो, तुम हमारे घर में सुकून नहीं चाहती, तुम चाहती हो कि हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और फसाद रहे। तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती आई हो, और ज़बरदस्ती अपना मुकाम नहीं हासिल किया जा सकता। इतनी बातें सुनकर आयरा वहाँ से चली जाती है। तो क्या आयरा जैद से शिकायत करेगी या अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।